आरक्षण खत्म करने को लेकर लगी आग से भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश बुरी तरह से जल रहा है। सरकारी संपत्तियां आग की लपटों में तब्दील हो चुकी हैं। कई लोग मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। इस बीच भारत के कई MBBS स्टूडेंट्स बांग्लादेश में फंस गए थे और अब कई काले दिनों के अंधेरों से निकलकर बाड़मेर का बेटा अपने वतन लौटा है। मंसूर अली सरहदी बाड़मेर का रहने वाला है। वतन वापसी के बाद लोकल 18 को मंसूर ने क्या क्या बताया, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। बांग्लादेश आरक्षण विरोधी आंदोलन की वजह से जल रहा है। मंसूर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सेंट्रल इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज ढाका का सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। वहाँ बहुत हालत खराब, तो पुलिस को भी मार रहे हैं, कोई भी नहीं देख रहे हैं। बस ओल्ड ढाका उतरा तान मंडी ये सारे एरिया ऐसे इधर टोटली अनकंट्रोल। जो ओल्ड ढाका वाला जो एरिया था ना, मैं जो डेवलप एरिया में रहता था, जो न्यू ढाका है, तो वहाँ पे इतना नहीं था, क्योंकि तो यूनिवर्सिटी वगैरह सब उस एरिया में थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। टोटली वहाँ के लोगों को ये था कि जो 1971 में जो वॉर हुआ था बांग्लादेश में, तो जिन लोगों ने बांग्लादेश को सेव किया था उन्हें फ्रीडम फाइटर के नाम से जाना जाता है, तो उनको 70% आरक्षण दिया जाता था और 30% उन लोगों को जो लोग थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, आप फ्रीडम फाइटर के बच्चों को दे रहे हो, बट ये तो आप उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी दोगे, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो उसको रोकने के लिए वो अपने हित के लिए गए, अपनी मांग की, यहाँ तक भी ठीक है, मामला सही था। फिर उसके बाद जो 70% वाले जो लोग थे जिनको आरक्षण मिल रहा था, फ्रीडम फाइटर के जो ग्रैंड चिल्ड्रन या उनके रिलेटिव, तो उन्होंने कुछ एक वर्ड बोल दिया था बंगाली में, जो वर्ड मेरे को याद नहीं, बट उसका मतलब यही है कि आप ना, मतलब वो लोग जिन्होंने उस टाइम बांग्लादेश का, बांग्लादेश के साथ नहीं थे, पाकिस्तान का साथ दिया था, तो फिर वो बात आरक्षण की नहीं रही, फिर वो बात वो दिल पे लग गई ऐसा कुछ, फिर वो बात आगे बढ़ गई थी। तो फिर वही चल रहा था कि जो सामने देख रहे हैं बस मार रहे हैं उनको पकड़ के, इंसानियत नहीं रही थी उस टाइम, ये चल रहा था उस टाइम। बाकी जो PM है वो खुद देश छोड़ के चली गई थी स्पेन, तो टोटली वहाँ के हालात कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, लोग अपने अकॉर्डिंग चल रहे थे, जो सामने दिख रहा है उसको मार रहे हैं बस। वहाँ हिंसा शुरू हुई 16 जुलाई को, 17 जुलाई को ठीक है चल रहा है, फिर 18 जुलाई को वो मैन हो गया, हाथापाई वगैरह मारपीट, 18 जुलाई 17 जुलाई के शाम को और 18 जुलाई से शुरू हुआ। उसके बाद बांग्लादेश के जितने भी कॉलेज है सारे हालात अच्छे नहीं थे। और रही बात फॉरेन स्टूडेंट की, फॉरेन स्टूडेंट कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ, बस वो क्योंकि वो बांग्लादेश इनका मैटर था, तो इसलिए हमें पहले ही बोल दिया था कि आप हॉस्टल रहो, सेफ हो, जितना हो सके सेफली निकले यहाँ से, तो फॉरेन स्टूडेंट कोई अफेक्ट नहीं हुआ, बट वहाँ की यूनिवर्सिटी कॉलेज वो सब अफेक्ट हुए। मेरी लास्ट बात हुई थी 17 जुलाई को, फिर 18 जुलाई से तो फिर SMS के थ्रू चल रही थी, तो वो एक पॉइंट था कि माइंड में कि मतलब दिस प्लेस इज नॉट टोटली सेफ फॉर अस, सो हमें जितना हो सके जल्द से जल्द निकलना चाहिए यहाँ से, ये माइंड में गया। वाईफाई वगैरह सब बंद था, तो इससे थोड़ा और दिमाग में डर बैठ गया। मंसूर बताता है कि 4 दिनों तक उसे और उसके साथियों को रूस और यूक्रेन युद्ध में फंसे स्टूडेंट्स जैसा लग रहा था। मंसूर ने 22 जुलाई को बांग्लादेश से उड़ान भरी और 23 जुलाई को बाड़मेर पहुंचा। मंसूर ने बताया कि 4 दिन तक वो बस यही सोचता रहा कि वो अपने घर जिंदा जा पाएगा या नहीं। उसने बताया कि घर वालों को जब उसने भारत पहुँचने की जानकारी दी तब कहीं जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। लोकल 18 के लिए बाड़मेर से मनमोहन सेजू की रिपोर्ट।